फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सैमसंग S22 अल्ट्रा बिगेस्ट सक्सेस थी सैमसंग की तरफ से, क्योंकि ये डिवाइस एक ऐसी थी तकरीबन ये ऑल सेगमेंट में हमें एक अल्टीमेट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही थी। कैमरा सेंसर की बात करें उस साइड से भी, और प्रोसेसर की बात करें तो उस टाइम का लेटेस्ट प्रोसेसर S22 अल्ट्रा में यूज़ हुआ हुआ था। एमोलेड डिस्प्ले था, मतलब स्क्रीन की तरफ से हमें कोई कमी देखने को मिली थी। एस पेन के अंदर भी देरी का में बहुत सारी फंक्शनैलिटी को इनक्रीज़ किया गया था। तो देखा जाए तो S22 अल्ट्रा एक ग्रेट सक्सेस थी और कंपनी ने इसको एक लेगेसी के तौर पे लिया था और अपना बेस्ट दिया था इस डिवाइस के अंदर। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि ये सक्सेस थी S22 अल्ट्रा, तो S23 पे वर्क करना कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो आज ही S23 अल्ट्रा को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे जो हमें कंफर्म रूमर्स या कंफर्म न्यूज़ जो अभी तक मिली हैं S23 अल्ट्रा के रिलेटेड, और उसमें कौन कौन सी इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, किस किस सेगमेंट में इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं। जो जो हमें फिलहाल इन्फॉर्मेशन मिली है ट्वीट्स के थ्रू मिली है, या कुछ जो टेक न्यूज़ चैनल्स हैं, साइट्स हैं, वहाँ से हमें जो न्यूज़ देखने को मिली है, तो आज सारी चीज़ों को S23 अल्ट्रा या S23 के हवाले से डिस्कस करेंगे कि किस किस सेगमेंट में हमें ये हमें बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन यही होने वाला है S23 अल्ट्रा। दिस इज ज़ुबैर अमजद एंड यू आर वॉचिंग ZTech। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जाने। तो साथ साथ फ्रेंड्स, जो भी इसके रिगार्डिंग ट्वीट्स वगैरह हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन है, मैं साथ साथ आपके साथ वो पिक्चर्स वगैरह भी शेयर करता रहूँगा। जो फर्स्ट न्यूज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है कि सैमसंग के जो चिपसेट S23 में यूज़ होंगे वो 70% क्वालकॉम स्नैपड्रैगन की तरफ होने वाले हैं। और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का कौन सा प्रोसेसर इसमें यूज़ होने वाला है, वो है स्नैपड्रैगन Gen 2। Gen 1 हमें देखने को मिला, Gen 1 Plus भी हमें देखने को मिला बहुत सारी डिवाइसेज में। S21 में Gen 1 यूज़ किया गया था स्नैपड्रैगन, और अभी SD8550 जो कि स्नैपड्रैगन Gen 2 है, वो S23 में यूज़ होने वाला है। अब खुद देख लें कि S22 में Gen 1 ने क्या परफॉर्मेंस हमें दी थी, तो S23 के अंदर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन Gen 2 हमें किस लेवल तक की परफॉर्मेंस दे सकता है। तो 70% ये जो इसकी शिपमेंट होगी वो सैमसंग को ही देंगे जितने भी ये प्रोसेसर बनेंगे, और ये लाइकली यूज़ होने वाले हैं S23 अल्ट्रा में। तो स्पीड की तरफ से हमें जो एक बूस्ट मिलेगा वो फ्रेंड्स हमें इस तरह के डिवाइसेस में S23 में हमें अल्टीमेट जो भी अब जब तक ये रिलीज़ होगी उसके अंदर हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब भी सैमसंग अपना मॉडल रिलीज करती थी तो एशिया या कुछ रीजन्स के लिए वो अपना एक्सोनस चिपसेट यूज़ करती थी, जो कि सैमसंग खुद पर्सनली मेड कर रहा था, और क्वालकॉम को इंटरनेशनल लेवल पे सेट में रिलीज़ करके और उस कंट्रीज़ में सेल आउट करती थी, जबकि एशिया या कुछ स्पेसिफिक रीजन में एक्सोनस यूज़ होता था। तो ये एक्सोनस के खाते को ना फ्रेंड्स ये ख़त्म करते जा रहे हैं। वो कह रहे हैं जितनी भी डिवाइसेज मेड आउट होंगे जिस मर्जी रीजन में होंगी, तो फ्रेंड्स उसके अंदर ये स्नैपड्रैगन को ही मद्देनजर रखने जा रहे हैं, और स्नैपड्रैगन ही इसके अंदर यूज़ किया जाएगा। तो ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि एक्सोनस की परफॉर्मेंस देखी जाए और क्वालकॉम की परफॉर्मेंस देखी जाए तो बहुत सारा इसमें डिफरेंस था, बहुत सारे कंपेरिजन भी इसके ऊपर अवेलेबल हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक ही सेट के अंदर एक ही प्रोसेसर होगा, इसमें कुछ भी डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा कि इस रीजन के लिए अलग बन रहा है, उस रीजन के लिए अलग बन रहा है। क्योंकि फ्रेंड जो SM8550 है वो हमें बहुत ही ऑप्टिमाइज देखने को मिल रहा है, उसके ऊपर क्वालकॉम बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो ऑप्टिमाइज होने वाला है, एक अच्छी एफिशिएंट परफॉर्मेंस देने वाला है। तो इसलिए हम कुछ अच्छा एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि ये जो मशीन होगी S23 अल्ट्रा फ्रेंड्स, ये परफॉर्मेंस की तरफ से हमें किसी किस्म का भी हमें मतलब बैक एंड पे नहीं होने वाली, ये हमें बेस्ट अपना देगी। साथ ही साथ आपको जैसा कि बताया है कि ये ऑलमोस्ट क्वालकॉम की सारे स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर अब यूज़ होंगे इस सीरीज़ के अंदर, मे भी हमें जो नीचे वाले डिवाइसेज है उसके अंदर भी हमें क्वालकॉम ही देखने को मिले। तो फ्रेंड्स, और साथ ही साथ सैमसंग ने ऑफिशियली 7 ईयर्स की कॉन्ट्रैक्ट कर ली है क्वालकॉम के साथ, क्योंकि जो भी आगे 7 ईयर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है 2030 तक आई थिंक सो ये टेन्योर बनता है, तब तक सैमसंग ऑफिशियली स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर या क्वालकॉम के ही प्रोसेसर यूज़ करेगा, वो और कोई चिपसेट नहीं यूज़ करेगा। तो एक अच्छी बात है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी इन दोनों के दरमियान। तो ये जब दो कोलिजन होगा दोनों कंपनीज का, सैमसंग का और क्वालकॉम का, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ बेहतरी होगा फ्रेंड्स। और एक और न्यूज़ है फ्रेंड्स, वो ये है जो कि मैं समझता हूँ हाईलाइटेड है, क्योंकि आपको पता है आईफोन का और सैमसंग का मतलब दो बड़ी मेजर कंपनीज है, और शाओमी 3 आ जाती हैं, लेकिन सैमसंग का और आईफोन का बहुत ज़्यादा मतलब मसले मसाइल इस वजह से रहे हैं, क्योंकि आईफोन आपको पता है बहुत ही सिक्योर फ़ोन है, और उसके अंदर एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की, उनके अपने प्रोसेसर्स है, सब कुछ है, जबकि वो आईफोन थर्ड पार्टी से नहीं परचेज करता अपने प्रोसेसर्स। और सैम इसी तरह सैमसंग है, और सैमसंग भी अपनी सिक्योरिटी की तरफ को ना कुछ बूस्टअप करने जा रहा है। तो स्पेशली उन्होंने एक एक्सपीरियंस पर्सन हायर किया है, जो कि ऑलरेडी आईफोन कंपनी में काम करके आया है
आई थिंक 6 to 7 ईयर का उसका एक्सपीरियंस है, तो उसको उन्होंने हायर किया है और स्पेशली वो एक SoC बिल्ड कर रहे हैं सैमसंग के लिए, जो कि सैमसंग की डिवाइसेस को इन्हेंस करेगा, उनकी पावर एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। तो इसके अंदर भी उनका एक चलें उनका जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है या उनका एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी एप्पल कंपनी अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रही थी, उनको वो हायर करके सैमसंग भी अपनी चीज़ों के अंदर, अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर या स्पेशली S23 के अंदर ये चीज़ बेहतरी लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसलिए उन्होंने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उस बंदे को हायर कर लिया भाई कि हमें एप्पल वाली चीज़ें भी ना भाई इधर चाहिए, हमें सिक्योरिटी लेवल ना थोड़ा मतलब जबरदस्त किस्म का चाहिए। तो ये भी हमें एक बिग इम्प्रूवमेंट फ्रेंड्स हमें देखने को मिलेगी। एक और चीज़ को फ्रेंड्स मद्देनजर रखा जाए तो डेफिनेटली अगर हम तो अभी इस लेवल का सोच रहे होते हैं या कमिंग ईयर का सोच रहे होते हैं, लेकिन कंपनी जो भी होती है वो अपने एक माइंड सेट एक गोल सेट करके बैठी है कि लाइक 5 से 7 साल बाद हमने इस जगह पे खड़ा होना है। सैमसंग एक डेडिकेटेड प्रोसेसर बनाएगी जो कि सिर्फ गैलेक्सी फोन्स के अंदर यूज होंगे, गैलेक्सी की सीरीज के अंदर यूज होंगे, 2025 के अंदर जो भी सीरीज रिलीज होगी उसके अंदर डेडिकेटेड प्रोसेसर होंगे, वो अभी से प्लान करके बैठी हुई है। तो उसके अंदर जो भी प्रोसेसर यूज होंगे वो भी इसके ऊपर फोकस करके बैठी है कि कौन कौन से प्रोसेसर होंगे और वो सिर्फ गैलेक्सी सीरीज को हाईलाइट करेंगे और इसी के अंदर यूज होंगे। और अगर दूसरी इम्प्रूवमेंट, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट की बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी S23 में या S23 अल्ट्रा, अभी फाइनलाइज तो नहीं है भाई जन, अल्ट्रा साथ होगा सादा होगा, इस वजह से मैं थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूज हूँ। तो S23 अल्ट्रा में एक जो हमें हाइप देखने को मिल रही है वो कैमरा की तरफ से देखने को मिल रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो कैमरा सेंसर है वो लाइकली हमें 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल रहा था S22 में, तो फ्रेंड्स इसको 200 मेगापिक्सल तक लेके जा रही है सैमसंग। तो डेफिनेटली इट्स अ बिग हाइक के यार, एक बहुत ही जबरदस्त हमें कैमरा, ऑलरेडी S22 के कैमरा बहुत एक मतलब जबरदस्त किस्म थे, हमें किसी मतलब कंपैरिजन भी अगर देखें तो यार कैमरा का एक लेवल था, एक हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा था, हाई रेजोल्यूशन थी, HDR मतलब पिक्चर की बहुत अच्छी वाइब्रेंसी अच्छी थी, तो डायनेमिक रेंज अच्छी थी, तो एक अच्छा हमें कैमरा सेटअप देखने को मिला। लेकिन जब 200 पे ये शिफ्ट करेंगे तो आप खुद सोच लें कि भाई उसका क्या रिजल्ट होने वाला है। मैन सेंसर में ही चेंजिंग होंगी जबकि पेरिस्कोप लेंस नहीं चेंज करने वाले, पेरिस्कोप लेंस ऑलरेडी भाई 100x जूम पे है तो उसको क्यों चेंज करेंगे। तो पेरिस्कोप लेंस फ्रेंड्स वहीं तक ही महदूद है और कैमरा मैन कैमरा सेगमेंट के अंदर फ्रेंड्स वो चेंजिंग करने जा रहे हैं। 200 मेगापिक्सल का सेंसर हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा S23 अल्ट्रा में। और डेफिनेटली जब कैमरा इंक्रीज होगा तो स्क्रीन की तरफ भी हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो पॉसिबली सैमसंग ये क्लेम कर रही है कि जो LTPO पैनल होगा सैमसंग का, डिस्प्ले जो होगा S23 अल्ट्रा का, वो भी एक 120 हर्ट्ज के ऊपर जाने वाला है, 144 हर्ट्ज या 155 हर्ट्ज तक फ्रेंड्स इसको लेके जाने वाले हैं, तो ये भी प्लान कर रहा है। वेल बैटरी कंजम्पशन की बात करें, जो बैटरी की तरफ से इन्हें इन्हेंस हो रहा है 5500 के कुछ रूमर सुन रहे हैं, लेकिन उसके पास फिलहाल मेरे पास अभी कोई कन्फर्म ट्वीट या न्यूज़ नहीं है, लेकिन 5500 mAh के रूमर सुन रहे हैं। तो लाइकली सैमसंग फास्ट चार्जिंग में भी थोड़ा सा पीछे था, 30 वाट आई थिंक सो या 28 वाट तक मोस्टली इसके जो फ्लैगशिप सीरीज के फास्ट चार्जर होते थे तो उसमें भी हमें पॉसिबली इंक्रीज देखने को मिलेगा। इन द शॉर्ट और एट द एंड S23 अल्ट्रा या S23 को डिवाइस जब भी लॉन्च होगी फ्रेंड्स, दैट विल बी अ किलर डिवाइस। और ये अपने साथ की जो कंपनीज है ना जो अपनी फ्लैगशिप डिवाइस लेकर आ रही है उसको एक दफ़ा ना मतलब हिलाएगा। इसी तरह नई नई वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर कर दिएगा। दिस इज़ वैरम जस्ट साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।